इंसान बोनलेस मीट खाना पसंद करते हैं क्योंकि उन्हें बोन बिल्कुल पसंद नहीं, या यूं कहें कि बोन चबाना उनके बस की बात नहीं। दांत टूटकर बिखर जाने और पोपले हो जाने का डर किसे नहीं। मगर कुछ जानवर ऐसे भी हैं जो कि बोन को बड़े ही चाव से खाना पसंद करते हैं, और आज के वीडियो में हम ऐसे ही जानवरों की बात करने वाले हैं। नंबर एक, तस्मानियन डेविल को तस्मानियन टाइगर समझने की भूल मत कीजिएगा। तस्मानियन टाइगर दुनिया से विलुप्त हो चुके हैं, जबकि तस्मानियन डेविल अभी भी उधम मचा रही हैं। ये ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं और दूर से चुचुंदर जैसे दिखते हैं, मगर इनके दांतों में दुनिया के किसी और जानवर से ज्यादा ताकत होती है। ये कुछ ही समय में मीट के साथ साथ बोन भी चबा डालते हैं। इनका सिर बाकी बॉडी से काफी बड़ा होता है और इन्हें गजब का बाइट फोर्स प्रदान करता है। ये अक्सर रात में जंगलों में निकलते हैं और अपनी डरावनी आवाजों से किसी भी कमजोर दिल वाले इंसान का हार्ट अटैक करवा सकते हैं। अगली बार से छुछंदर नुमा जीव दिखे तो आप अपना रास्ता बदल लीजिएगा, नहीं तो यह आपको नानी याद दिला देगा। नंबर दो, वॉल्वरीन बर्फीले जगहों में पाया जाता है और इसके जबड़े में बोन को पीस देने तक की ताकत होती है, जिस वजह से बर्फीले भेड़िए भी इसका सामना नहीं कर पाते। ये कटाहे जानवर दूसरे जानवरों से साइज में छोटे होते हैं। इनका मुंह 90 डिग्री तक खोल सकता है, जो इन्हें बेहद ही शक्तिशाली जबड़ा प्रदान करता है। इन्हें किसी भी जानवर की हड्डी पसली को एक करके खाने में मदद करता है। नंबर तीन, हम सभी ये जानते हैं कि प्रोक्यूपाइन अपने कांटों से किसी को भी जख्मी कर सकता है, पर आपको क्या ये पता है कि वो बोन भी खाता है? देखिए ये नन्हा शर्मीला सा प्रोक्यूपाइन किस मजे से बोन के टुकड़े को खा रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने इसको चॉकलेट कैंडी थमा दी हो। नंबर चार, जब हम बोन्स के बारे में बात करते हैं तो अपने प्यारे कुत्ते यानी डॉग्स को कैसे भूल सकते हैं। हड्डी को देखते ही कुत्तों के मुंह में लार टपकने लगती है। हड्डी में बहुत मात्रा में प्रोटीन और विटामिन पाया जाता है, जो इन्हें अच्छा पोषण भी देता है। हड्डी चबाने से उनके दांत भी मजबूत होते हैं और कुत्ते को मटरगस्ती करने का भी अच्छा मौका मिल जाता है। नंबर पांच, सड़क के किनारे पड़े इस भालू महाशय से मिलिए। इन महाशय जी को एक हड्डी हाथ लग गई, जिसे वे बड़े चाव से चबा रहे हैं। अगर किसी ने उनसे ये छीनने की कोशिश की तो वे इसे जिंदा नहीं छोड़ेगा, भालू से पंगा नहीं लेने का। नंबर छह, जिराफ। जी हां, आपने सही सुना। आप तो सोच रहे होंगे कि जिराफ बेचारा तो शाकाहारी प्राणी है, वो कैसे हड्डियों के चक्कर में पड़ गया। मगर अब हम आपको जो वीडियो दिखाने वाले हैं उसमें एक नहीं बल्कि तीन जिराफ बारी बारी से एक भैंसे के पिंजरे से हड्डी अलग अलग करके खा रही हैं। ऐसा वे अपने शरीर में कैल्शियम की पूर्ति करने के लिए करते हैं। आप अपने शरीर में कैल्शियम की पूर्ति के लिए क्या करते हैं, हमें कमेंट करके बताइएगा। नंबर सात, गीदड़ के बारे में तो सभी को पता है कि वो एक असाधारण प्राणी है। वो जिंदा और मुर्दा दोनों तरह से जानवरों को खाता है, मगर क्या आपको पता है कि उसके दांत इतने मजबूत होते हैं कि वो हड्डियां मिक्सर ग्राइंडर की तरह पीस देता है। अब इन्हीं गीदड़ भाई को देख लीजिए, ये हड्डियों को पॉपकॉर्न की तरह चबा चबा कर खा रहे हैं और रुकने का नाम नहीं ले रहे। कल भी खाना है, आज ही सब खा जाओगे क्या? नंबर आठ, जगुआर के दांत बेहद ही मजबूत होते हैं, जो उसे हड्डियों को चबाने में मदद करते हैं। जगुआर ये काम बड़े चाव से करता है, अक्सर उसके द्वारा मारे गए शिकार की हड्डी पसली भी नहीं मिलती। ये चित्तिकार जानवर अक्सर पेड़ पर रहना पसंद करता है। हड्डियों में पाए जाने वाला कैल्शियम और फॉस्फोरस प्रदान करते हैं और उसकी हड्डियों को मजबूत बनाते हैं, और साथ ही साथ उसे चुस्ती फुर्ती भी दिलाते हैं। नंबर नौ, आइए आपको समुद्र की गहराइयों में ले चलते हैं, जहां बिल्कुल ही अलग तरह की पार्टी हो रही है। 3000 फीट गहरे इस जगह पर रोशनी भी आसानी से नहीं पहुंच पाती, मगर हमारी हड्डी पर गुजर बसर करने वाले जीव जंतु आसानी से पहुंच गए हैं। गौर से देखिए, यहां ऑक्टोपस, इलनुमा मछलियां, केकड़े और कई हड्डी को फंगाई में परिवर्तित करने वाले बैक्टीरिया आसानी से मिलेंगे। हुआ ये कि एक दिन एक वेल की डेड बॉडी यहां आ गिरी। फिर क्या था, यहां तो जैसे उसके पिंजरों के बीच एक पार्टी ही शुरू हो गई।
सबसे पहले हड्डी को खाया बैक्टीरिया ने और बाद में उन्होंने फंगाई उत्पन्न किया। इस फंगाई को खाने ऑक्टोपस और केकड़े भी आ गए, यही नहीं कुछ मछलियां भी आ गई। व्हेल के पिंजर आसानी से 10 साल तक इनके जीवन यापन के लिए काफी हैं। काश हम भी ऐसा ही कोई जुगाड़ कर पाते, कमाने धमाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। नंबर 10, यूथोपिया के विशालकाय बियर्डेड वल्चर को हड्डी तोड़ने वाला भी बोला जाता है। ये शानदार पक्षी बेहद ऊंचाई पर उड़ता है। इसके पंख 2 मीटर तक लंबे होते हैं। यह आसमान में एक ग्लाइडर की भांति चक्कर काटता रहता है। जब भी किसी जानवर का शव इसे देखता है तो यह अपनी बारी का इंतजार करता है। ये दूसरे वल्चर्स और जीवों को चमड़ा साफ करने का गंदा काम करने देता है। जब सिर्फ हड्डी बची रहती है तब वो तेजी से जमीन की तरफ डाइव लगाता है और एक जूसी हड्डी जो कि उसके खुद के वजन के बराबर होती है उसको अपने मुंह में लेकर हवा में उड़ जाता है। फिर वो काफी ऊंचाई से इस हड्डी को एक पत्थर के ऊपर गिराता है, जहां गिरकर हड्डी के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। उसके अंदर से रसेदार बोन मैरो बाहर निकल आता है, जिसे बियर्डेड वल्चर बड़े ही चाव से खाता है। अब ये हड्डी गिराकर चकनाचूर करने का काम आसान नहीं होता। कुछ बियर्डेड वल्चर्स को ये काम सीखने में सालों लग जाते हैं। आपको हड्डी से बोन मैरो चूसने में कितने साल लगे, हमें कमेंट करके जरूर बतलाइएगा। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि हड्डी बहुत से जानवरों और पक्षियों का पसंदीदा भोजन है। इसमें न सिर्फ कैल्शियम बल्कि विटामिन्स और मिनरल्स भी पाए जाते हैं, जो कि स्वस्थ होने के लिए जरूरी हैं। सबसे मजे की बात यह है कि जिन जानवरों को हम शाकाहारी समझते थे वो भी बोन को बड़े चाव से खाते हैं। अब अगर वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल मजेदार साइंस को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम ऐसे ही रोचक वीडियोस के साथ फिर वापस आएंगे।